देश भर में राम मंदिर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, खासकर बीजेपी की तरफ से राम मंदिर को लेकर अलग तरह से तैयारियां की गई हैं। ऐसे में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली प्रदेश मोर्चा की महिलाओं के भी इसमें शामिल हुई और दिया डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। इसको लेकर मुंसिफ टीवी के संवाददाता गुलिशा ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बात की। और अब इसको लेकर दिल्ली में भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद है। आज दिल्ली के सीपी में आप मौजूद हुए, दिए डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, महिला मोर्चा की बहुत सारी महिलाएं भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, महिला मोर्चा की बहनों ने तय किया कि 22 तारीख को बड़ी दिवाली मनाई जाए, तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ दिल्ली के बाजारों में आज ये दिए बांटे जा रहे हैं, हर लोगों को दिए जा रहे हैं। लोग उत्साह और उमंग के साथ इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 22 जनवरी का दिन हम देख पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्यशाली पल है। बहुत सारे लोग अयोध्या जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, और ऐसे में दिल्ली में उन लोगों के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, 22 तारीख के बाद कहा गया है कि अयोध्या के दर्शन सबके लिए खुले हैं और प्रभु श्री राम जिसको बुलाना चाहेंगे वो सब जाएंगे, तो दिल्ली की जनता भी उसी उत्साह के साथ 22 तारीख के बाद अयोध्या जाएगी। अगर बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की जाए तो पहले सुंदरकांड करवाए और आज रामलीला का आयोजन वो करवा रहे हैं और 2 दिन तक ये रामलीला चलने वाली है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो इसे सनातन की जीत मानता हूँ, हिंदू धर्म की जीत मानता हूँ। जो अरविंद केजरीवाल कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे, अगर वो आज राम राम कर रहे हैं तो उन्हें भी राम राम। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो ईडी का चौथा समन जो मिला है और ऐसे में अब रामलीला भी करा रहे हैं, तो क्या लगता है इनका कनेक्शन जो आपस में? देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाला किया है, किक बैक लिया है, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम दिल्ली के सीबी में मौजूद है और यहाँ पे महिला मोर्चा की बहुत सारी महिलाएं मौजूद है और मेहंदी लगाई जा रही है और हाथ पे जय श्री राम लिखा जा रहा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ है। तो मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह की तैयारियाँ है? 500 वर्षों के बाद श्री राम जी आ रहे हैं, दिवाली का माहौल है, उत्सव है, सभी लोग एकदम खुश हैं। शीत लहर नहीं, राम लहर चल रही है। हम सब लोग महिलाएं पूरे देश में ही नहीं, अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में और दिल्ली में हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, यही कहना चाहते हैं। बात अगर दिल्ली के मंदिरों को की जाए तो वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहुँच नहीं पाएंगे अयोध्या में, तो दिल्ली के मंदिरों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सारे दिल्ली के मंदिरों में LED स्क्रीन्स लगेंगी, सफाई स्वच्छता अभियान के तहत चल ही रही है मंदिर स्वच्छता अभियान, और हर व्यक्ति से ये कहा जा रहा है कि जो अयोध्या जा सकते हैं, जा पा रहे हैं, वो तो वहाँ जा ही रहे हैं, परंतु अपने घर के मंदिर को, अपने घर के निकट के मंदिर को ही अयोध्या मंदिर मान के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हम अपने दिल से करेंगे भगवान राम की और उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जहाँ पे कहीं जो गीत गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, तो वहीं मेहंदी लगाई जा रही है और हाथों पे दिया डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी तैयारियाँ जो है वो दिल्ली के साथ साथ अलग अलग शहरों में भी हो रही है अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बीच राजनीति भी कहीं ना कहीं होती जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष इन सब चीज़ों पर किस तरह की प्रक्रिया देता है। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।